यही सर जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल की, तो खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि सीपीओ बाकी तेलों के मुकाबले डिमांड में भी है और महंगा भी मिल रहा है, और जो इसका इंपोर्ट है सीपीओ का उस पर भी कहीं ना कहीं इंडोनेशिया द्वारा सीपीओ का एक्सपोर्ट रोक देने की वजह से इसके इंपोर्ट पर भी बैन लगा है, इंपोर्ट पर भी प्रभाव पड़ा है भारत के अंदर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, सीपीओ हम देख रहे हैं कि बायोफ्यूल में भी इस्तेमाल किया जाता है और खाद्य तेलों में खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका असर इसकी कीमतों पर और अन्य खाद्य तेलों की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी खाद्य तेल की कीमतों में इसका रुझान पॉजिटिव रह सकता है और कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, और एडिबल ऑयल पैक में अभी फिलहाल गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, छुटमुट गिरावट आ सकती है लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि जो सिनेरियो है वो काफी सपोर्टिव है, और मुझे लगता है कि खाद्य तेल अभी अप्रैल और मई ये दो महीने तक एक तेजी में बने रह सकते हैं जी।